हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मैं मेरा चैनल का नाम है पार्वती ब्लॉग। मैं इसमें ब्लॉगिंग और डांसिंग का वीडियो बनाती हूँ। और आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है, व्यूज नहीं आता है। वीडियो तो मैं डेली डालती हूँ, रूटीन वीडियो मेरा डेली पड़ता है, पर उसमें कोई भी व्यूज नहीं आता है। पर मेरा 1000 सब्सक्राइबर हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग का सपोर्ट भरपूर मिले कि मैं आगे जाऊँ, कुछ कर सकूँ। यही सब मेरा सपना है। मैं गोरखपुर से हूँ, पादरी बाजार से। मैं देवरान जेठान एक साथ ही काम करती हूँ दोनों लोग, क्योंकि घर में कुछ परिस्थिति ऐसी है हुई कोरोना के टाइम से कि यूट्यूब पे आना पड़ा। नहीं तो हम लोग तो यूट्यूब पे केवल इंजॉय के तरह वीडियो बनाते थे, पर उस चीज़ को कुछ ज़रूरत समझ के अब इस समय मुझे बनाना पड़ रहा है वीडियो। मेरा शॉप था, मार्बल का शॉप था, बिजनेस था अच्छा खासा। कोरोना के टाइम में मेरे यहाँ मेरे पापा मेरी दादी इंस्पायर होने के बाद मेरा शॉप टूट गया। इसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ रहा है। दो दो बच्चे साथ में है। क्या पर्पस, किस लिए यहाँ पे क्यों आई? क्योंकि पति का इस समय मेरे जॉब नहीं है, 2-3 साल हो गया अभी बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा जॉब नहीं मिला कि जिससे हम लोग कुछ कर सकें। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें हो रही हैं। बच्चा मेरा हुआ तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हुआ। अभी मेरी छोटी सी बेबी है, 6 महीने की हुई है। काफ़ी दिक्कत होता होगा, बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। कितना परिवार सपोर्ट करेगा, कितना सास ससुर सपोर्ट देंगे। जॉब करना चाहिए, यूट्यूब पे क्यों आई? यूट्यूब पे इसलिए आया क्योंकि बहुत जगह जॉब देखे नहीं उस तरीके का मिला। हर जगह खोजते हैं, हर जगह देखते हैं, पर उस तरीके का जॉब नहीं मिलता है। बच्चे के लिए परेशानी होती है। हाँ, अपनी तो ख्वाहिशें छोड़ दीजिए, बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करने में ही दिक्कत होती है। यूट्यूब पे क्या लगता है? यूट्यूब पे एक क्या कहते हैं, फैमिली ब्लॉग बनाते हैं। उसे एक उम्मीद है कि यूट्यूब पे हम आए कुछ करेंगे। उससे बहुत सारे लोगों से सुने हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं लोग, कुछ पैसे मिलते हैं वहाँ से। हम लोग एक उम्मीद लेकर आए हैं कि कुछ पैसे वहाँ से मिलेंगे, कुछ बच्चे का पढ़ाई ग्रेजुएशन सब कुछ कर सकेंगे, बच्चों को हर शौक पूरा कर सकेंगे। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे किसी कष्ट से ना झेले, जिस कष्ट से मैं गुजरती हूँ वो कष्ट किसी बच्चे को ना हो। लेकिन लोग कहते हैं यूट्यूब पे डांस करने वाले बड़े गंदे होते हैं। कहने वाले लोग कहते हैं दुनिया बहुत जालिम होती है, जो हंस हंस के मजा लेती है, दोस्त बना के अपना सूली पे चढ़ा देती है। जैसे पर्दार लोग हुए, रिश्तेदार लोग हुए, बस मजा लेंगे, आपका कोई कमी नहीं पूरा करेंगे, बस उसको मजा लेंगे कि कैसे ये लोग डांस करती हैं, ये लोग वीडियो बना के डालती हैं, हंसते हैं लोग, आस पड़ोस के लोग भी देख करके मजा लेते हैं। पर ये चीज़ नहीं सोचेंगे उनके अंदर कमी क्या है, उनके दिक्कतें क्या है, उनके बच्चे कैसे पल रहे हैं, वो चीज़ को कभी नहीं सोचेंगे। बहुत सी महिलाएं 6 महीने से मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर। लोग कहते हैं कि पहला वीडियो वायरल हो जाता है, पर 6 महीने से मैं लगातार कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वीडियो मेरा पड़ा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो मेरा वायरल हुआ, किसी तरह मेरा 1000 सब्सक्राइबर रात में पूरा हुए हैं। आज रात में पूरा हुए थे। उसके लिए आपको बहुत व्यूज जाता ही नहीं है, कितना भी वीडियो डालूं मेरा व्यूज उठता ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोग, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों लोगों से यही कहूंगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को प्यार दे, दुलार दे, जैसे सब लोगों के चैनल को प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखते हैं, उस तरह मेरे चैनल को प्यार दुलार से आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत सी महिलाएं आने के लिए यूट्यूब पर सोचती हैं लेकिन पीछे हो जाती हैं, क्या कहेंगे? हमने बहुत सी महिलाएं आने के लिए यूट्यूब पर सोचती हैं, पीछे नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे कितना भी मुसीबत आए उस मुसीबत से लड़ने के लिए सीखना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे चैनल का नाम है काजल सिंह, UP 32। मैं भाभी से मिलने आई हूँ, भाभी से मिलने मैं तीसरी बार आई हूँ, 2 बार भाभी के घर पे भी गई हूँ, रही हूँ, पर मेरा चैनल वायरल नहीं हो रहा है भैया। मेरे पास बहुत दिक्कतें हैं, एक भी व्यूज नहीं आ रहा, ना कुछ भी आ रहा है। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए मुझे। लखनऊ से? हाँ, अकेले आए हैं। हाँ, तीसरी बार आए हैं, 2 बार भाभी के घर आ चुके हैं, 1 बार भाभी नहीं मिली थी, दोबारा मिली थी उनके घर में, हम 2-3 दिन रह के आए हैं भाभी के पास, वीडियो भी बनवाए, लेकिन वायरल ही नहीं हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भैया। मैं ये कहना चाहती हूँ हमें बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत मजबूरी है। मेरा शादी हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिए हैं, तो मैं किराए के घर में कॉलोनी में काम करके गुजारा करती हूँ।
नहीं, खाना बनाने की जॉब करते हैं। वीडियो बनाते हैं, कॉलोनी वाले ही बोलते हैं, कहते हैं कि तुम तो काम भी करती हो, वीडियो बनाती हो, फेमस नहीं हो पाओगी, ऐसे बोलते हैं लोग, टॉर्चर करते हैं, कहते हैं एक दिन हो जाएंगे हम। आप सब लोग, सारे दोस्तों लोगों से बोलना चाहती हूँ, मैं प्यार और दुलार से सपोर्ट करें, क्योंकि हम बहुत बहुत गरीब हैं, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा शादी हुआ था, मैं अपने ससुराल में सिर्फ 2 ही 3 महीने थी, और मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया, कहा कि तुम दहेज नहीं लाई हो, इसीलिए उन्होंने, उनको बाइक मिली तो दूसरी शादी कर ली है। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरे माँ बाप भी बोलते हैं दूसरी शादी करने के लिए, पर हम राजी नहीं है दूसरी शादी करने के लिए, तो कहते हैं वहीं चली जाओ, वहाँ आपके लोग कहते हैं वो रखेंगे नहीं, क्योंकि वो दूसरी शादी कर लिए हैं। इसीलिए हम कॉलोनी में काम करते हैं तेलीबाग में, कि ताकि हमारा सब वीडियो भी बनाते, ताकि सपोर्ट मिले मुझे। पर मैं एक भैया ने ही कॉलोनी के लिए मेरा चैनल बनाया था यूट्यूब का, कि इससे तुम बनाओ, इससे तुम पैसे कमा लोगी, पर मेरा वीडियो वायरल ही नहीं होता है भैया, एक भी सब्सक्राइब मतलब व्यूज नहीं आता है। तो माता पिता सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए? हाँ, सब लोग बोलते हैं बनाया करो, मेरे भाई लोग भी बोलते हैं, मेरे पापा मम्मी सब लोग बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, मेरे माँ बाप बोलते हैं शादी करने के लिए, पर मैं ही नहीं शादी करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक बार ज़िंदगी ख़राब हो गई है तो दोबारा भी ख़राब हो सकती है, इसीलिए हम शादी नहीं करना चाहते। हाँ, वो दूसरी शादी गाड़ी के लिए कर ली, उनको गाड़ी मिल गई दूसरी जगह से। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम 5-6 महीने से 8-9 महीने हो गए वीडियो बना रहे हैं, बस अभी मेरे 669 ही सब्सक्राइबर हैं, और ना व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे हैं, बस 1-2 रहते हैं बस। मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कॉलोनी वाले भी बहुत टॉर्चर करते हैं, मैं जब बता दूँ उनकी मुसीबत, बहुत काम कराते हैं कि ये ऐसे नहीं वैसे करना है तुमको। मैं सब काम कर लेती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, झाड़ पोछा बर्तन भी करती हूँ, दोनों चीज़ का काम करती हूँ। नहीं, पर माँ बाप को ये कभी नहीं बताते हैं कि हम पोछा लगाते हैं, क्योंकि उनको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं ठाकुरों की लड़की हूँ, ये बताती हूँ कि मैं खाना बनाती हूँ, माँ बाप से ये बात झूठ बोलती हूँ। तो मायके में नहीं रहते हैं? नहीं, रहते हैं गांव में ही, पर किराए पे रहते, कॉलोनी है जहाँ पे, वहाँ रहते सिटी में, और गाँव में मेरा घर है मोलालगंज में, लखनऊ में। नहीं, मायके के सपोर्ट से रहते हैं। सबसे कहना चाहते हैं, मुझे बहुत प्यार सपोर्ट और सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत टॉर्चर हो चुकी हूँ, भाभी से मिलने 3 बार आए, आज मैंने 1 दिन की छुट्टी ली थी, पर हमारी तो 2 दिन की हो जाएगी, बस 1 दिन की मुझे कॉलोनी से छुट्टी मिली थी आज भर के लिए, मैं कल आई थी रात में 9 बजे बैठी थी, सुबह यहाँ 5 बजे आए। हाँ, आज मुझे शाम तक वापस जाना, ताकि मैं सुबह पहुँच जाऊँ, क्योंकि अगर छुट्टी हो जाती है, 1 छुट्टी देती है, महीने की 2 छुट्टी होती हैं, तो पैसा काट लेती है, कहती तुमने बिना बताए छुट्टी ली है। तो कैसे फिर आप चोरी से काम करते हैं, परिवार से रहते हैं? मतलब खाना तो बनाते हैं खुला में, लेकिन खाना वाला नहीं मिलता तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन भी करती हूँ बिना माँ बाप को बताए हुए, भाइयों से नहीं बताते कि हम ये काम करते हैं। ये देखिए मेरी उंगली किस गई है काम करते करते। मेरे घर में सिर्फ मैं ही फ़ोन चलाती हूँ, और मेरे भाई चलाते, माँ बाप मेरे फ़ोन नहीं चलाते। गांव की रहते चलाते होंगे, आपके गांव की रहते चलाते होंगे, आप नहीं, माँ बाप चलाते होंगे। क्योंकि मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, ये देखिए भैया मेरी पूरी उंगली घिस गई है काम करते करते। हेलो, काजल सिंह, UP 32। शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, यही डांस वांस का बस। देखिए दोस्तों, बहुत काफ़ी ये परेशान हैं, आप लोग पूरी बात सुने होंगे और समझ सकते हैं, इनको आप ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट करिए चैनल पर, एक बार इतना सपोर्ट करिए कि जो इनके आंसू बह रहे हैं, कम से कम आंसू तो रुक जाएं, बहुत तकलीफ़ में हैं।
तो हम बस यही कहेंगे कि इनको सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और आखिर में क्या कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए। मैं सबसे सपोर्ट लेना चाहती हूँ कि मुझे प्यार और दुलार दे, सारे भाई और दीदी और बहनें सारी लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ठंडी आ रही भैया, बहुत काम करना पड़ता है, ठंडी में 5 बजे उठ के खाना बनाना पड़ता है जो लोग जॉब करने जाते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो बनाना है, कॉलोनी वाले भैया ने आईडी बनाई थी तो उन्होंने कहा इससे वीडियो बनाओ तुम शायद वायरल हो जाओ, इसीलिए कहा तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बनाया करो, तब मैंने बनाना उन्हीं से सीखा था। वो भैया वो विदेश में रहते हैं, वो बता के चले गए थे। बस इतना ही कहना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों नमस्ते, मेरे बोलो। हेलो दोस्तों नमस्ते, भैया के चैनल में आप लोग का स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं सबके नमस्ते करते हैं भैया के चैनल में। एक बार मेरा भैया इंटरव्यू लिए थे और फिर दोबारा हम मिले गए हैं भैया के सामने, तो प्लीज़ सभी लोग देखते हैं जितना लोग का, सभी लोग का नमस्ते करता हूँ। और एक बार और भैया हमको मिल चुके हैं, आए हैं गोरखप्रिया भौजी के पास, फिर एक बार और हम आ गए हैं और फिर एक बार और हमको भैया मिल चुके हैं, तो आप लोग का सभी लोग का नमस्ते करता हूँ। आप भैया के भी नमस्ते करता हूँ कि सबसे पहला फिर भैया हमको मिल गए, और एक बार फिर दिल से सबको नमस्ते करता हूँ और यही बात कहता हूँ हम लोग को प्यार दुलार दीजिए इसी तरह, और आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए। संगीता चौहान 5K, प्लीज़ सभी लोग से रिक्वेस्ट करते हैं जितना लोग देखते हैं, प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करें, हमारा दुख तो सभी लोग जानते हैं। और एक बार भैया के चैनल पर सब बोल भी दिए हैं तो फिर भी आए हैं, बहुत बहुत कोशिश करके बहुत हिम्मत हार के फिर भी आए हैं। अब सोचें कि आएंगे तो यहाँ भी सपोर्ट होगा, मेरा भाभी भी सपोर्ट करेंगी और भैया भी, और जितना लोग देखते हैं हमको सभी लोग मिल के सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए हम आए हैं आपस सपोर्ट मांगने के लिए सभी लोग से।